उनके पास जो है वो दीजिए ना मुझे। ये कॉपी नहीं हुजूर एफ आई आर की, ये तो उनका जो पिटीशन लगा हुआ वही है, वो जो लगा हुआ है एफ आई आर। आप दिखाइए तो मुझे। लेकिन इसके बावजूद आपके SHO महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। लिखिए, हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका, इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के क्या कीजिएगा। जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे। 11/40/2022 FIR इशू हो गया। वेयर इज ही? दे आर कमिंग ऑन वे, बस पहुंच जाएंगे। ऑन वे मींस कंकड़बाग से चले थे हमको टेलीफोन पर। कंकड़बाग से दूरी पूछ लिया ना उनसे, कितनी दूरी है? पूछा तो था, बोले चल रहे हैं। चल रहे हैं जी, हम तो स्पंदन गढ़ बोला कि लगेगा मार। कोर्ट का पेशेंस टेस्ट करते हैं ना, कोर्ट का पेशेंस टेस्ट करते हैं। हम लोग टेस्ट हैं, हम लोग खुद ही उधर 7:30 बजे जाते हैं डेली पर डे, सुबह 8:30-9 बजे आ जाते हैं। 7:30 हम लोग भी उधर। आप ये देखिए कि जब उनको कहा गया था 4 बजे रहने के लिए जी। नहीं हुजूर, असल आ गए तुम लोग। रुक जाइए, जिएंगे तो ज्यादा जीना बड़ा कष्टदायक होता है, कलयुग है। कलयुग में ज्यादा जीना जो है बड़ा कष्टदायक होता है खान साहब। जी जी, हम देख रहे हैं। बैठ जाइए 2 मिनट, जरा इनका फाइल देख खान साहब। वेयर इज योर ऑफिसर इन चार्ज? लाइए, गिव मी अ कॉपी ऑफ द FIR। कॉपी नहीं आए हैं? जी नहीं, मोबाइल में ये लूट करके ले आए। और ये क्या है? आप स्वयं क्यों दौड़ कर चले गए? सब आवेदन नहीं था मेरे पास। सोच समझ के FIR किया है क्या? नहीं सर, आवेदन इसी के आवेदन पर नहीं किया। क्या है, देखें आवेदन। देखिए अब आवेदन था इसका पड़ा हुआ वहाँ। ये सर इस पर 107 भी हुआ हुआ है। 107 होता है? आप लोग जो है सिटीजंस के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं 107 करके। लाइए देखें आवेदन। ये जो सीनियर SP के यहाँ जो दिया गया था दरखास्त, उस पर हुआ है। आप दीजिए ना, सीनियर SP के यहाँ जो दिया गया वो कॉपी दीजिए ना जो वहाँ है, उनके पास जो है वो दीजिए ना मुझे। ये कॉपी नहीं है हुजूर FIR की, ये तो उनका जो पिटीशन लगा हुआ वही है, वो जो लगा हुआ है FIR। आप दिखाइए तो मुझे। पहला इंफॉर्मेशन कौन सा है ये जानना चाह रहे हैं। विच वन इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? देखिए इसने कहाँ कहाँ लिखा है सब जगह। ये उधर लगा हुआ है, ये रीट में ही लगा हुआ है। 18/8/22 का है जी, ये अनेक्सर 4 है उधर, रीट की कॉपी लगी हुई। एक मिनट सर, ग्यारह सात 22 को जो इसने आवेदन दिया वो कहाँ है? घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कंकड़बाग थाना में आवेदन दिया जी, वो कहाँ है? नहीं सर, कोई आवेदन नहीं। कोई आवेदन दिया गया 11 सर? ये भी बताएं सर, कोई आवेदन नहीं सर। सर अभी पूरे थाना में FIR के लिए आवेदन खोजा गया, सीनियर सर वाला मिला उसी पर हुआ, कोई सर FIR के लिए आवेदन नहीं। 1/8/22 को इसने कोर्ट में फाइल किया है जी, 2/8/22 को फिर इसने ये परिवाद संख्या 9227C/2022 दिनांक 1/8/22 ये अभी पेंडिंग है आपका वहाँ। यस मिनट्स पेंडिंग। एनीवे 18/8/22 का जो ये रिपोर्ट है, दिस इज स्वयं प्राइम ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन बैंक जजमेंट, अगर आप देखिए ललिता कुमारी का जी, 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 देख रहे तो उसके लाइट में इसको पढ़िएगा, तो इसने बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि हमारे घर में कैसे कैसे लूट किया, सामान को फेंका गया उठा करके, 50-60 असामाजिक तत्व जो है उन्होंने घर में घुस करके क्या क्या काम किया। और ये भी लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में जी, रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलदान स्वयं सो
ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। कोई इसके बाद FIR क्यों नहीं हुआ इसके आधार पर? अभी कौन से आधार पर किए हैं? देखा नहीं, उस पर हम वो तो पास कर दिया जाएगा थोड़े सा। रुकिए रुकिए रुकिए, आजकल मीडिया में जब है तो उसको तो पास कर दे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स इट शुड बी फर्स्ट इन माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, एग्जैक्टली है ना। सेवा में बरी है पुलिस अधीक्षक। कब का है वो? 30/9/22 का। 30/9/22 का, तो ये जब आपके SHO के पोजीशन में है तो इसके आधार पर क्यों नहीं FIR हुआ 18/8/22 के कंप्लेंट पर? देखें, ये तो संभव नहीं इस तरह से पढ़ना। आपका पेज जो है वो पूरा निकलेगा नहीं। आप इससे इसको इस पे इनको कर देते हैं निकाल। हाँ, PDF फॉर्म में दीजिए इनको, उसका प्रिंट आउट निकालिए। टेक्निकल असिस्टेंट को दीजिए। व्हाट्सएप नंबर बताइए। ये स्पेसिफिक एलिगेशन है इनके अगेंस्ट, और ये इसको अपने फाइल में लेकर के नहीं अपने फाइल में क्यों? इनके हाथ से निकल रहा है ये? नहीं, वो तो जो इन्होंने जो इन्हीं के फाइल से निकला है ना। जी जी, कोर्ट में जो हुआ है उसको भी आप डिनाई करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं इनकी फाइल से निकला है ना ये, तो इस पर FIR क्यों नहीं हुआ? इफ दिस इज इन हिज पोजीशन, रिटन कॉम्प्लेंट है। अभी आपने बोला ना कि रिटन कॉम्प्लेंट मांग रहे थे, तो ये अगर ये इनके पोजीशन में था तो इस पर FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है 21/9/22 का, ठीक है ना, ये 21/9/22 का इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है द अकरेंस विच अगेन टुक प्लेस ऑन 29/20/22। 20/9/22 को संध्या 4 बजे फ्लैट में मेरा भतीजा स्वयं सो सोए हुए अवस्था में स्वयं सो एवं अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्ति फ्लैट पर आ धमके और मेरा भतीजा को स्वयं सो को बाहर निकाल दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर जो सामान तुम लोगों का है उसे घर से खाली करो, अन्यथा 2 दिन के अंदर हम सारा सामान रोड पर फेंक देंगे। जैसा कि पिछली बार दिनांक स्वयं सो को सारा सामान फेंकवा दिए एवं लुटवा दिए थे। तो 21/9 का जो रिटन कंप्लेंट है इसमें 20/9 की जो घटना हुई उसका भी वर्णन, उसके पहले जो इसने रिटन कंप्लेंट दिया, एक तो वो कहता है कि हमने 11/7 को दिया था, जो आप कह रहे हैं कि नहीं है। जी जी, 11/7 को ही दिया गया पहली बार, ठीक है, वो अभी उनको उनका प्ली है कि नहीं है। जी जी, बट इन एनी केस इनके पास से 18/8/22 का रिटन कंप्लेंट निकला इनके हाथ से। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी उसका जिक्र किया है, तो बोथ आर टू कॉज ऑफ एक्शन, टू डिफरेंट अकरेंसेस। This should also be registered as FIR. 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटन कंप्लेंट दिया आपको,
जिसको आप अभी तक 18-8 का जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है। श्रीमान स्वयं सो, स्वयं सो, मतलब इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है जी। लेकिन इसके बावजूद आपके SHO महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटर्न कॉम्प्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका, इसका रिसिप्ट भी है बुजुर्ग, सारा लूट के लूट चला गया। कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, इतना वर्दी पहन लिए कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में 4.25 साल हो गए सर। 4.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर, उद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप, तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करना। सर ये मकान मालिक को रेंटर करने के, तो आप आपकी आदत खराब हो गई थी ना इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी जान इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी 22/9 का अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा सर, हमको तो जान 22/9 की, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। लिखे हर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर रेनेस खान लंडेड स्टैंडिंग काउंसिल नंबर 1 फुल स्टॉप, मिस्टर रविशंकर सिंह कमा दी ऑफिसर इन चार्ज कंकड़बाग पुलिस स्टेशन विदिन ब्रैकेट रिस्पॉन्ड नंबर 6 एंड श्रीमती निशा कमा इंस्पेक्टर कंकड़बाग पुलिस स्टेशन विदिन ब्रैकेट रिस्पॉन्ड नंबर 7 आर प्रेजेंट इन पर्सन फुल स्टॉप। द मैटर हैज बीन टेकन अप फॉर कंसिडरेशन, द मैटर वॉज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन इन द फर्स्ट हाफ of the court session. Full stop. In this writ application, the petitioner is praying for the following reliefs. Paragraph 1, Roman 1, Roman 2, Roman 3 and Roman 4. Next. The case of the petitioner is that he was in possession of one flat bearing LIGS quarter number 100/34, Kankarbagh Colony near Tempo Stand, Lohia Nagar, PS Kankarbagh since 2/11/2008. Full stop. His entry in the flat was by virtue of an agreement to sell executed by the original allottee, Dr. Sambhu Kumar, within bracket response number 8, who is presently working on the post of medical officer at Subdivisional Hospital, Tenughat,
फ्रॉम अ बोकारो इन द स्टेट ऑफ झारखंड, फुल स्टॉप. अंडर द एग्रीमेंट द पिटिशनर हैड पेड ए सम ऑफ ₹3,50,000 आउट ऑफ द टोटल कंसिडरेशन.